आपसे ही सीखी हूँ, मगर देर से सीखी। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं बाबू जी, ससुर जी मुझे पता है कि आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो आप मार के बैठे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं सारी इच्छाओं को पूरा करूं। मुझे पता है सासू जी के जाने के बाद आप बहुत अकेला फील करते हैं ना, मैं उस अकेलेपन को भरना चाहती हूँ। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, अपने ससुर से। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मुझसे कैसा बात करना चाहिए? ससुर जी अब आप छुपाइए मत, क्योंकि मुझे पता है आपकी नियत भी मेरे ऊपर ठीक नहीं है, तो मैं सपोर्ट कर रही हूँ आपको, फिर क्यों इनकार करना है? और इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा आपको, सोच लो। हाथ दो। बहुत समझदार हो गई हो तुम। आपसे ही सीखी हूँ, मगर देर से सीखी, काशी पहले ही सीख ली होती। पहले सीख लेती तो मजा कहाँ आता? मजा तो अब आएगा ना। अच्छा, तकरार में ही इकरार है, तकरार में ही प्यार है। हाँ, मगर एक बात ध्यान देना, ये बात हमारे पति को नहीं पता चलना चाहिए। ससुर जी हम बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगी? तो फिर चलें? इतनी भी जल्दी क्या है? अरे भाई अब दोनों जन राजी हो गए तो। मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? जैसे मैं आपकी जरूरतों को पूरी करूंगी, वैसे आप भी मेरी जरूरत पूरी करो। मेरा कहने का मतलब ये कि ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर, आप भी खुश। अरे पगली, मेरे मरने के बाद तो इस प्रॉपर्टी की मालकिन तुम ही लोगे ना? मुझे लोग नहीं, सिर्फ मैं। और आपके मरने का वेट नहीं कर सकती मैं आपके लिए अगर तैयार हूँ तो आप भी तैयार हो जाओ। चलो ठीक है, मैंने समझो ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, मगर मेरा भी सौदा है। एक हाथ लो, दूसरी हाथ दो। ठीक है ससुर जी, रात में मिलते हैं प्रॉपर्टी के पेपर के साथ। चलेगा, कोई बात नहीं, चलती हूँ। अरे बेटे का हो या बहू का हो, चाहे खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, बात तो एक ही है, यहाँ फायदा तो मेरा ही हो रहा है ना। और फिर बहू भी तो जान छिड़क रही, तो भाई उसके बदले में उसका तो हक बनता है। ससुर जी आप आ गए? अरे भाई मैं मारने का पक्का हूँ। आइए ना बैठिए। अभी मैं प्रॉपर्टी का पेपर ले आया, अब एक हाथ लो जी, हाथ दो। ससुर जी
ठीक है, मैं भी वादे की पक्की हूँ। तो चलो। ऐसा लग रहा है कि हमें जन्नत में आ गया। आज की 25 साल पहले वाली फीलिंग आ रही है मुझे। काश मैं तुम्हारी बात पहले मान लिया होता, कि प्रॉपर्टी तुम्हें दे दिया होता। आखिर इस कागज में रखा भी क्या है? जो चीज में है वो किसी में नहीं। यही दृश्य देखना रह गया था ना इस छत के नीचे। अब नहीं, तुम गलत समझ रहे हो बेटा। हाँ, ये मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। बाबूजी, जो खेल आप खेल रहे हैं ना, उसके कैप्टन हम हैं। ये सब मेरा बनाया हुआ गेंदा है, मेरे कहने के बाद ही आपके पास गई है। ये जब पहले मुझसे बताया थी ना, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, और सिर्फ इसलिए मुझे आपको रंगे हाथों पकड़ना था। और सच कहूं ना तो मुझे अभी भरोसा नहीं हो रहा है। छी, मुझे शर्म आत्मविश्वास करने की बात कर रही हूं। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? मैं कोई होता हूं माफ करने वाला? आप माफ होगा कि मैं माफ हूं आपका? पर गलती तो मुझसे हुई है ना बेटा। माफी मांगने वर्षों हुई है। आपने सोचा है कितनी बड़ी गलती है ये? किसी को पता चलेगा क्या कैसे जाएगा बाहर? दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो बहू। मुझे आपसे बात नहीं करना है, मुझे इनसे कोई डिस्कशन नहीं करना। और सॉरी, मैंने तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट नहीं किया। मैं इनके सामने एक पल भी नहीं रह सकता हूं। चलो हम लोग इस घर से बाहर चलते हैं। सुनो बेटा, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे अब। बाबूजी, आपके साथ मैं नहीं रह पाऊंगा, और ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपने लिए कर रहा हूं। मैं जब भी आपको देखूंगा ना, मेरी आंखें टूट जाएगी, नजर नहीं ले पाऊंगा मैं। एक चक्के नीचे संभव नहीं है। सॉरी बाबूजी। बहुत तुम समझाओ ना। चलो बहु बाबू प्लीज। होश के आगे मैं इतना बह गया था कि मैं अपना पराया भूल गया। आज उसका परिणाम ये हुआ कि आज मेरा ही बेटा मेरा साथ छोड़कर चला गया। एक बुढ़ापे का सहारा था, वो भी नहीं रहा। अब मैं क्या बोलूं कि उसके पास जाऊं, कैसे माफी मांगूं? अगर एक बार वो मुझे माफ कर देता तो मुझसे कभी ऐसी गलती नहीं होती। मैं अपनी गलतियों पे बहुत शर्मिंदा हूं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा।